प्रतापपुर अग्निकांड के दूसरे दिन बुधवार को राज्य के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने पीड़ित परिवार का हाल जाना और उनके लिए 3 रोज का भोजन का व्यवस्था अपने स्तर से किया। श्री कुमार ने प्रभावित परिवार के लिए 5 क्विंटल चावल, दाल, आलू, तेल एवं मसाला का प्रबंध किया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं कल पुनः अगले 2 दिनों का भोजन का प्रबंध करूंगा। श्री कुमार ने अग्निकांड के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को सरकारी राहत मुआवजा नहीं कराने पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से मांग किया कि वे तुरंत प्रभावित सभी 70 परिवार के बीच रेड क्रॉस के माध्यम से राहत सामग्री गरीबों के बीच पहुँचाने की व्यवस्था करावे। श्री कुमार ने पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। जब तक यह पीड़ित परिवार चयन में नहीं आएगा तब तक मैं एवं मेरे साथी बेचैन रहेंगे। मौके पर श्री कुमार के साथ सरपंच मनोज सिंह, मुखिया गगन देव कुमार महतो, शंभुसा श्रेयस ज्ञान कौशिक, रितेश सिंह राजपूत, मुखिया पति इंदर शाह, मोहम्मद शमीम, जितेंद्र कुमार, मकेश्वर झा, चंदन झा, अजय चौधरी, सुधीर सिंह, पूर्व मुखिया शिवशंकर साह, शशि अंजन, रामलाल राम, वीरेंद्र राम, कैलाश राम, मणिशंकर सिंह, राम बालक ओझा, शंभुदास, सरोज कुमार सिंह, मिथिलेश भाई उर्फ गोनू सिंह आदि लोग पीड़ित परिवार की मदद में सक्रिय रूप से लगे थे। प्रतापपुर में कल भीषण अग्निकांड हुआ था। सैकड़ों दलित समाज के लोगों का सियाना जलकर राख हो गया था। शरीर के कपड़ा के अलावा कुछ ही नहीं बचा था। कल भी मैं आया था, दूसरा दिन आया हूँ। 5 दिनों तक इस गरीब को सुबह शाम का भोजन का व्यवस्था हम अपने साथी के साथ व्यवस्था कराए हैं और हमने कहा है कि अगले 5 दिनों तक यहाँ के गरीब भूखे नहीं रहेंगे। हर हालत में उनको दोनों समय का भोजन, पर्याप्त भोजन का व्यवस्था हम अपने अपने साथियों की ओर से करेंगे। दूसरी बात है कि अभी तक सरकारी राहत नहीं मिला है, 24 घंटे बीत गए, बड़ा दुखद स्थिति है। हम जिलाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग, दलित वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, 24 घंटा बीतने को है, अभी तक सरकारी स्तर पे जो सहायता मिलना चाहिए नहीं मिला है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि तुरंत के तुरंत सभी प्रभावित परिवार को रेड क्रॉस के माध्यम से पर्याप्त राहत मुहैया कराइए और सभी प्रभावित दलित समाज और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसकी व्यवस्था हो। स्थिति काफी भयावह है। कुछ लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन हम और हमारे लोग यहाँ के गरीब और यहाँ के लोगों के साथ कमिटेड हैं। जब तक ये चैन में नहीं होंगे हम बेचैन रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।